प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले 3 बी फार्मेसिस्ट महाविद्यालयों की सभी सीटें दूसरे ही दिन फुल हो गई हैं। काउंसलिंग का ये प्रथम चरण था। कुल 94 पदों के लिए काउंसलिंग हुई, जिनमें से वी फार्मेसी एलोपैथिक की 77 और आयुर्वेदा की 17 सीटें भरी गई। इससे पहले आरक्षित वर्ग के लिए काउंसलिंग करवाई गई। सभी सीटें प्रदेश सामान्य प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर भरी गई। इसके बाद काउंसलिंग का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें प्राइवेट महाविद्यालयों की खाली सीटों को भरा जाएगा। प्रदेश में बी फार्मेसी के कुल 15 महाविद्यालय हैं। इनमें से 3 महाविद्यालय सरकारी और 12 महाविद्यालय निजी हैं। सरकारी महाविद्यालयों की सभी सीटें पहली काउंसलिंग में भर गई हैं। अब 12 निजी महाविद्यालयों की सीटें दूसरी काउंसलिंग में भरी जाएंगी। दूसरी काउंसलिंग की तिथि विश्वविद्यालय प्रबंधन जल्द ही तय करेगा। तकनीकी विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक डॉक्टर एन शर्मा ने बताया कि पहली काउंसलिंग में सरकारी महाविद्यालयों की सभी सीटें भर गई हैं। शेष बचे छात्रों के लिए निजी महाविद्यालयों में दाखिले के लिए दूसरी काउंसलिंग करवाई जाएगी। दूसरी काउंसलिंग की तिथि जल्द ही तय कर दी जाएगी। स्थिति जो है वो पहले से और बेहतर आ रही है, जैसा कि हमारे नए वाइस चांसलर प्रोफेसर एस के बांसल हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। उनका भी ये मुख्य उद्देश्य है कि हम गुणात्मक तकनीकी शिक्षा देंगे, और उस गुणात्मक तकनीकी शिक्षा में पहले ही जो हमने एडमिशन नॉर्म्स रखे हैं उनमें इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, और उन पहलुओं के अनुसार जो है वो हमारी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। दूसरा मैं एक और बताना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल में एकमात्र आर्किटेक्चर महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवा में चल रहा है, उसके लिए भी हमें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। और उसके पहले चरण की काउंसलिंग आज रिजल्ट कैटेगरी के नगरोटा बगवा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही है। इसके फर्स्ट राउंड के सेकंड काउंसलिंग जनरल कैटेगरी की कल वही की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे और कोर्सेज हैं, स्नातकोत्तर, MBA, MCA, MPharma, MTech, इन कोर्सेज के लिए भी काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और निर्धारित तिथियों पे इसकी काउंसलिंग या हमारे हमीरपुर जो पॉलिटेक्निक बड़ू ऑडिटोरियम में की जाएगी। लेकिन दो काउंसलिंग हम नगरोटा बगवा इंजीनियरिंग कॉलेज में करेंगे, जिसमें से एक अभी चल रही है बी आर्किटेक्चर की, और दूसरी काउंसलिंग जो हमने एकमात्र कॉलेज प्रारंभ किया है विश्वविद्यालय का नगरोटा बगवा में HPTU ऑफ कैंपस बिजनेस स्कूल, जिसमें हम होटल मैनेजमेंट का BSc का कोर्स चला रहे हैं, उसके लिए जो काउंसलिंग है वो भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवा में की जाएगी, जिसकी तिथियां हमने निश्चित कर दी हैं, और इसमें अप्लाई करने की 11 जुलाई तक अंतिम तिथि है। ऐसे ही MBA, MCA, MPharma, MTech की भी तिथि है, तो उस तक जो बच्चे अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, उनके लिए हम निर्धारित तिथियों को काउंसलिंग करेंगे। और बी फार्मेसी में जैसा भी आपने देखा भी कि छात्रों का विशेष रुझान बढ़ा है, लेकिन मैं BTech में भी छात्र इतने उदासीन रवैया नहीं है, छात्र आ रहे हैं, और हमें 2007 के लगभग हमें जो है वो एप्लीकेशन आई हैं, जिसके लिए काउंसलिंग जारी है। जैसे काउंसलिंग प्रोसेस सभी राउंड्स में पूरा हो जाएगा तो आपको कंप्लीट एडमिशन जो डिटेल है वो भी हम सूचित कर देंगे।